सक्सेजान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो रामानुजन जी ने एक सीरीज दिया था, अब पूछा था किस एक्स के लिए सही है। सीरीज थी यही, आप देखिए सीरीज ये थी। तो आपसे पूछा था एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप देखिए क्या हो सकती है। देखिए एक बार वीडियो रोक के चेक करिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं। आप तो सलूशन पता है तो आपको सोचना आसान है, जिनको आंसर पता है जो जानते हो कर लेंगे, लेकिन वह इस वक्त बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम था। तो ये जो सही है वो एक्स इक्वल टू 3, यानी कि एक्स वैल्यू 3 के लिए सही है, यानी कि जो एक्स है वो 3 है, एक्स वैल्यू 3 है। अब देखिए कैसे सही है। तो आपका जब एक्स 3 है, इसको मैं क्या अंडर रूट में 9 लिख सकता हूँ, और फिर 9 को क्या मैं अंडर रूट में 1+8 लिख सकता हूँ, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 4, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 चाहिए। अब आप देखिए जो ये 2 × 4 है, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, क्योंकि हमें अंडर रूट भी लाना है, तो मैं क्या करूँ 1+2। अब देखिए 2 के बाद अंडर रूट है, तो मैं 4 को 16 लिख देता हूँ। अब देखिए ये कुछ मैचिंग मैचिंग हो रहा है। अब देखिए आगे, अब जो ये 16 है, अब हम 16 आप देखिए अंडर रूट बाद 1+ है, तो हम इसको क्या करेंगे 1+ में ब्रेक कर लेंगे, 1+15, क्योंकि हमें ये सीरीज दिखानी है। अब 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यही लिख देता हूँ 3 × 5। आप देखिए यहाँ पर 3 है, तो मैं अगर 3 को बाहर ले लूँ, मैं ही मिटा के लिख दूँ, यही लिख देता हूँ, तो मैंने जो 15 आया उसको 3 × 5 लिख लिया। अब जब मैं 3 के बाद देखिए अंडर रूट है, अगर अंडर रूट है तो ये 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25। अब देखिए अंडर रूट आ गया 25 आ गया। फिर 3 के बाद भाई 1+ वाला बनाना है, तो मैं 25 को 1+24 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 1+24 लिख देता हूँ। और फिर देखिए यहाँ पे 4 आया, तो मैं इसको 4 × कुछ लिख सकता हूँ, तो 4 × 6 लिख सकता हूँ, तो मैं 24 को जो है अब मैं 4 × 6 लिख ले रहा हूँ। अब मैं जो सीरीज है मेरा ये 1+2, 1+3, 1+4। अब देखिए 4 का अंडर रूट है, तो भाई अंडर रूट यहाँ 6 था, तो अंडर रूट में क्या आ सकता है 36 आ सकता है। तो आप देखिए आपको सीरीज एकदम दिख रही है, 1+2+1+3 आराम से देखिए सीरीज बिल्कुल दिख रही है। 36 को फिर हम क्या लिखेंगे 1+35, 35 का लिखेंगे 5 × 7। अब 35 क्या लिखेंगे 5 × 7, फिर 5 बार ले लेंगे, और 7 क्या लिखेंगे 49। तो ये आपका सीरीज ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये था जब आपको पता था एक्स की वैल्यू 3 है, आप जानते थे आप कर लिए, लेकिन उस वक्त का ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम था। आप ये सीरीज जानते रहिए, कभी एग्जाम में आए और आप ऐसे दिखे तो आपको याद आना चाहिए एक्स वैल्यू 3 के लिए सही है, आप तुरंत आंसर टिक कर लेंगे। रामानुजम नंबर 1729, इसको हार्डी रामानुजम नंबर भी कहते हैं। जो ये हार्डी जी थे, तो इनको नंबर्स खेलना बहुत अच्छा लगता था, इसे टैक्सी से जाते थे या बस से देखते थे, तो ये नंबर नोट कर लेते थे और उसको देखते थे इसमें क्या नंबर में क्या कुछ निकल के आ सकता है इम्पोर्टेंट। ठीक, तो उन्होंने एक बार 1729 नंबर देखा, और इनको कुछ नंबर में खास दिखा नहीं, इन्होंने कहा नंबर बहुत ही यूजलेस है। तो रामानुजन ने जी पूछा कौन सा नंबर, तो इन्होंने बताया 1729। तो रामानुजन ने बताया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, तो बताया कि हम इसे, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, जिसको हम दो अलग अलग तरीके से और दो नंबरों के क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं।
इसको हम एक भी लिख सकते हैं कि 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और दूसरा लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। और ये सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर है ही नहीं जिसको हम इस तरीके से लिख सकें, तो इसे हम रामानुजन नंबर बोलते हैं। इसे हार्डी रामानुजन नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्डी जी ने ही नंबर को पूछा था रामानुजन जी से। इसे टैक्सी कैब नंबर बोलते हैं क्योंकि ये टैक्सी में टैक्सी का नंबर था, इसलिए टैक्सी कैब नंबर भी बोल देते हैं। तो ऐसा एक नंबर और आप देखिए 4104, तो इसको लिख सकते हैं 16 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। लेकिन अगर आपसे सबसे छोटा नंबर पूछा जाए तो है 1729, जो कि रामानुजन जी ने बताया था।